देखिए, ए जो है ब्रिक में पथरी, ब्रिक में पथरी का निर्माण कैसे हो जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि किडनी स्टोन, बहुत लोग बोलते हैं कि किडनी स्टोन हो गया, यानी ब्रिक में पथरी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले निर्माण कैसे होता है उसको जानेंगे, ठीक है, फिर क्यों होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ब्रिक में पथरी जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण एवं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो फॉस्फेट के कारण क्या होता है, तो ब्रिक में पथरी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ब्रिक में पथरी का निर्माण कैसे हो जाता है, सबसे पहले हमारे आहार में जो अम्ल होता है ना, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, ऑक्सैलिक अम्ल बन जाता है कैल्शियम ऑक्सैलेट, ठीक है। और ऑक्सैलिक अम्ल पाया किस में जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत जो होता है टमाटर, टमाटर के बीज, याद रखिएगा टमाटर के बीज हम लोग अधिक मात्रा में खाते हैं तो वो हमारे लिए स्टोन किडनी का, यानी किडनी स्टोन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, ठीक है। और दूसरा है पालक, इन दोनों में पाया क्या जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, और ऑक्सैलिक अम्ल अधिक मात्रा में होने से वो कैल्शियम ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम फॉस्फेट में, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, यानी ब्रिक में पथरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया, तो कम से कम आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि टमाटर के बीज को अधिक मात्रा में सेवन न करें, ठीक है, नहीं तो यही कहानी बन जाएगी किडनी स्टोन वाली, ठीक है। आइए देखते हैं मूत्र का, मानव मूत्र यानी शरीर में मूत्र कैसे बनता है, ठीक है। तो जो ब्लड हमारा यकृत जो होता है उसमें यूरिया वगैरह का निगमन करता है, उसमें से यूरिया आता है, फिर उसके बाद जो हमारा ब्रिक जो होता है ब्लड को साफ करता है, तो छानता है, तो ब्लड छानते वक्त जिसमें से जल की मात्रा आती है, वहीं जल की मात्रा में बहुत सारे लवण, कैल्शियम, ये सब चीज़ें मिलकर के मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये संगठन है और मानव मूत्र है, जैसे ब्लड छनता है तो उसमें से पानी आती है, वहीं पानी अधिक मात्रा में होती है, तो ये 95% मात्रा किसकी हो जाती है, मूत्र में जल की, तो अधिकांशतः तो जल ही होता है, तो 95% क्या होता है, जल होता है, किसमें, मूत्र में। यूरिया कितने प्रतिशत, 2.6%, जो कहाँ से आती है, यकृत, लीवर जो हमारा होता है यूरिया का, वहाँ से संश्लेषण करता है, वहीं से यूरिया का संगठन आ जाता है, ठीक है। और जल का सूत्र जो होता है ये होता है H2O, क्या होता है, H2O, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया होता है। और इसमें जो होता है कुछ मात्रा किसकी होती है, अमोनिया की, जिसके कारण मूत्र कुछ जो उसमें गंध हो जाता है ना, वो गंध का कारण क्या होती है, तो अमोनिया, क्या होती है, अमोनिया, मूत्र में गंध का कारण क्या होता है, तो अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। इसी के कारण मूत्र में क्या हो जाता है, गंध आ जाता है, लेकिन ताजे मूत्र में गंध नहीं रहता है, ये थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसमें ये अमोनिया का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण मूत्र में गंध हो जाता है, ठीक है। लवण, लवण कहे तो NaCl, यानी मूत्र में नमक की मात्रा होती है, यानी लवण की भी मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिनिन एक पदार्थ है जो कि 0.3% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम भी पाया जाती है, पोटेशियम भी पाया जाता है, इस तरह का बहुत सारा संगठन होता है, लेकिन मेन चीज़ें यही होती है, ठीक है। और क्रिएटिनिन जो होता है ये भी बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मूत्र जो निर्माण प्रक्रिया है कैसे निर्माण होता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे।
तो सबसे पहले यकृत, यकृत से यूरिया का संश्लेषण होता है और यूरिया का निर्माण भी होता है, ठीक है। और ये आता है ब्रिक में, और ब्रिक उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, छान लेता है, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब कर देता है तो वही चीज़ें बन जाता है मूत्र, और मूत्र जो होता है मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में जाके जमा होता है, और वहाँ से मूत्र बाहर होता है, ठीक है। ये रहा मूत्र का संगठन। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यहाँ पे रंग लिखा हुआ है तो हल्का पीला होता है, कैसा होता है, हल्का पीला। मूत्र का रंग कैसा होता है जी, हल्का पीला। और हल्का पीला होता है तो किसके कारण होता है, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम कहाँ से आता है, तो यूरोक्रोम हेमोग्लोबिन के टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के टूटने से, टूटने से यूरोक्रोम का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण हो गया जी, यूरोक्रोम। आ यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और मूत्र का पीएच मान जो होता है, मूत्र का पीएच मान ए होता है 6, हल्का अम्लीय, कैसा होता है, हल्का अम्लीय। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6, यानी 4.8 से 8.4 के भी बीच में होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप याद रखिएगा 6 होता है, हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। और मूत्र में ये चीज़ें जो संगठन मैंने बता दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।